हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केस नंबर टू, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में कि अगर कोई भी बिजनेसमैन अगर कोई गुड्स खरीद रहा है इंटरस्टेट भी और लोकल भी, लेकिन उसे बेच रहा है लोकल। बहुत से ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जो गुड्स परचेज करते हैं अपने स्टेट से भी, इवन दो दूसरे स्टेट से भी सामान गुड्स परचेज कर रहे हैं और उसे बेच कहाँ रहे हैं, लोकल। तो ऐसे में ये केस नंबर टू हो जाएगा हमारा, जिसमें कि हम परचेज कर रहे हैं, परचेज 6 पीस 32 इंच सोनी LED टीवी खरीद रहे हैं 18% GST के साथ। वो भी कहाँ पर, अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये हम लोग परचेज कर रहे हैं अपने स्टेट में, दैट मीन्स 09 UP। 1 अप्रैल को अगेन परचेज कर रहे हैं 4 पीस 32 इंच सोनी LED टीवी, ओके, अनु इलेक्ट्रॉनिक्स बिहार से खरीद रहे हैं। बाकी 2 अप्रैल को हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 32 सोनी LED टीवी हम लोग बेच दे रहे हैं विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स को, जो कि अपने स्टेट का है। यानी सेल लोकल हो रहा है लेकिन परचेज हम दोनों स्टेट से अलग अलग किए हैं। इस ट्रांजेक्शन को मैं मई कर देता हूँ, सारे ट्रांजेक्शन सपोज करिए कब के हैं, मई के हैं। ओके, अब हम लोग को इसे क्या करना है, इसे हमें सॉल्व करना है। मई मंथ का ये पूरा ट्रांजेक्शन है। तो देखिए, ऑलरेडी हम लोगों की कंपनी बन रखी है, इसमें एक आइटम बस बनाना होगा। तो एक आइटम हम लोग परचेज बना लेते हैं। पर आइटम किसका है, 32 सोनी LED टीवी, 32 इंचेस सोनी LED टीवी। LED टीवी है, ग्रुप तो सेम रहेगा, पीसेज हो गया। यहाँ पे क्या होगा, नॉट अप्लीकेबल। अब सेट अल्टर GST डिटेल में यस कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में LED टीवी मैं फिलहाल यहाँ एज्यूम करके लिख दे रहा हूँ। HSN कोड ये हो गया, टैक्सेबल रेट कितना है 18%। तो ये हमने क्रिटिकल किया। बाकी पार्टीज के लेजर हमारे बड़े बने हुए हैं। सबसे पहला जो हम देखें कि हम लोग कर रहे हैं क्या, परचेज कर रहे हैं 6 पीस 32 इंच, किससे, सोनी कंपनी। तो देखिए, सोनी कंपनी का लेज़र बना हुआ है, सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स का हमने लेज़र बना रखा है, जो कि हमारा क्रेडिटर है, ओके, उत्तर प्रदेश का। 09 इनका GSTN नंबर लिखा हुआ है। दूसरा लेज़र हमें चाहिए होगा परचेज का भी लेज़र बना हुआ है, गुड्स। देन हमें चाहिए होगा क्या, लोकल परचेज है तो हमें CGST HST लगाना है, तो इनपुट CGST का लेज़र भी बना हुआ है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST, सेंट्रल टैक्स हो गया। फिर इसी तरह से क्या है, इनपुट SGST, इसका भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस, स्टेट टैक्स, ठीक है। तो ये हमने बना रखा है, तो अब हम लोग लोकल परचेज कर सकते हैं। तो लोकल परचेज है, चलिए परचेज करने चलते हैं। तो हो जाएंगे F9, सबको पता है, और यहाँ पे F2 दबाएंगे। एंट्री हमें 1 मई में करनी है, तो 1 मई में परचेज की एंट्री है। बिल नंबर 101 डाल देते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं किससे खरीद रहे हैं, अनु इलेक्ट्रॉनिक्स से, सॉरी सोनी कंपनी से खरीद रहे हैं। तो हम लोग सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीद रहे हैं। परचेज का लेजर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं रखना है। क्या आइटम खरीद रहे हैं हम लोग, 32 इंच LED टीवी। कितने पीस खरीद रहे हैं, 6 पीस खरीद रहे हैं। रेट कितना है, 10,000, तो करीबन 60,000 का गुड्स हम लोग परचेज कर रहे हैं। अब यहाँ लगाएंगे खरीदते समय इनपुट CGST, इनपुट SGST, तो ये दोनों ही टैक्स कैलकुलेट हो गया। मेरे ख्याल से इसमें किसी कोई दिक्कत है नहीं, ई वे बिल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है फिलहाल। हम लोग सेविस क्या कर देते हैं, नो, और ये हम लोगों ने बिल चढ़ा दिया, बीइंग गुड्स परचेज। तो ये पहला हम लोगों ने परचेज कर लिया। हम लोग को अगला परचेज करना है अनु इलेक्ट्रॉनिक्स बिहार से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लेज़र बना देंगे अनु इलेक्ट्रॉनिक की जगह, मैं इसमें थोड़ा सा नाम चेंज कर दे रहा हूँ, रितु, ओके। तो रितु इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग बिहार से परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें इनका लेज़र चाहिए होगा, 102 बिल नंबर सपोज, रितु इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंड्री क्रिएटर है ये भी हमसे हमारा,
अब यहाँ पे देखिए सारी डिटेल्स, इस बार ध्यान रखिएगा बिहार है तो बिहार से परचेज कर रहे हैं, और यहाँ पे रेगुलर डीलर, अब इनका जीएसटीएन नंबर हम लोग मेंशन कर देंगे, जीएसटीएन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, ये जीएसटीएन नंबर हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके परचेज लेजर है ही, क्या आइटम परचेज कर रहे हैं, ये 32 इंच, इस बार 4 पीस खरीदारी किया है 10,000 के रेट से। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्या लगेगा, आईजीएसटी, तो इनपुट आईजीएसटी का लेजर बना रखा है, अगर आप लोग को देखना है इनपुट आईजीएसटी का लेजर कैसे बनाए, तो इनपुट आईजीएसटी अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस है, जीएसटी टैक्स टाइप में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड टैक्स। तो ये 7,200 आईजीएसटी लग गया। न्यू रेफरेंस नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज, ये इंटरस्टेट स्टैम्प पर प्रोसेसिंग चेक कर ली। अब अगर हम रिपोर्ट वगैरह लिख देना चाहें तो रिपोर्ट में जाहिर सी बात है हम लोग कहाँ पे जाएंगे, डिस्प्ले में स्टैचुटरी रिपोर्ट जीएसटी, जीएसटी आर वन जिसमें हमारा आउटपुट सप्लाई दिखता है, लेकिन आउटपुट सप्लाई नहीं इनवर्ट है, तो जीएसटी आर टू में देखना पड़ेगा, जीएसटी आर टू में इनवर्ट सप्लाई दिखाता है, हमें कब से कब तक का देखना है, 1 मई से सपोज करिए 2 मई तक का हम लोग देखते हैं, तो दो परचेज दिखा रहे हैं, बी टू बी इनवाइस है दिखा रहा है, एक 60,000 का एक 40,000 का, क्लियर। तो यहाँ पे क्लियर डिटेल दिखा रहा है और यहाँ पे दिखा रहा है इन सभी की आईटीसी आपको मिल जाएगी, टोटल मिला के 18,000 की आईटीसी हमें मिलनी है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेल करने वाले, तो सेल किसको करना है, तो ध्यान रखिए सोल्ड टू जो सोनी थर्ड 100 पीस हम लोग बेच दे रहे हैं विशाल इलेक्ट्रिक्स को, तो चलिए विशाल इलेक्ट्रिकल्स को हम लोग बेचते हैं सपोज। अब जाहिर सी बात है सेल करने के लिए F8 दबाएंगे, वन नंबर थ्री नंबर ऑलरेडी ऊपर देखिए थर्ड नंबर पकड़ रहे, थर्ड नंबर की सेल है विशाल इलेक्ट्रिक्स, ये हमारे क्या है सेंडरी डेटर है, हमारे कस्टमर है ये, ओके अपने उत्तर प्रदेश के ही है, जीएसटीएन नंबर मेंशन करना पड़ेगा, जीएसटीएन नंबर हमारा है ऑलरेडी, जो सेल है F2 करके डेट करके सही कर लेते, 2 मई को सेल हुआ है। यहाँ पे सेल्स का लेजर, सेल्स का लेजर हमारे बना रखा है, अगर आप सेल्स का लेजर चेक करना चाहेंगे तो सेल्स अंडर क्या है, सेल्स अकाउंट, जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा, सर अल्टर में कुछ नहीं करना है, टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या आइटम बेच रहे हैं, तो ये 32 इंच 10 पीस है, पूरा 200 पीस हम लोग निकाल दे रहे हैं, ओके हाउ मच कितने में बेच रहे हैं, इट्स 15,000, तो 15,000 में हम लोग इसे सेल कर दे रहे हैं पर पीस। अब जाहिर सी बात अपने स्टेट में ही बेच रहे हैं तो आउटपुट सीजीएसटी लगेगा, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट का लेजर वैसे बनेगा जैसे हम लोग ने इनपुट सीजीएसटी आउटपुट इनपुट एसजीएसटी सीजीएसटी बनाया है, सेम एज इट इज हमें आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी का भी लेजर बनाना है, और अगर आपको डाउट है तो यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, आउटपुट सीजीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी सेंट्रल टैक्स है, इसी तरीके से आउटपुट एसजीएसटी का भी लेजर बना रखा है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस स्टेट टैक्स है, टैक्स ऑटोमेटिकली कट गया है। अगर हम एल्ट ए करके चेक करना चाह रहे हैं टैक्स एनालिसिस में, तो टैक्स एनालिसिस में भी देख रहे हैं 1.5 लाख के ऊपर कटा है, टोटल मिला के 27,000 टैक्स कटा है, ई वे बिल की भरने की कोई जरूरत नहीं है, बी के अंदर हो जाएगा बींग गुड्स सोल्ड, तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिपोर्ट चेक करेंगे, रिपोर्ट हाँ कभी देखते हैं सब लोगों को पता है, डिस्प्ले में फिर स्टैचुटरी रिपोर्ट में जीएसटी आर वन में इस बार देखेंगे, आउटपुट सप्लाई की डिटेल कहाँ आती है, जीएसटी आर वन में, तो 1,50,000 27,000 रुपीज टैक्स अमाउंट आ रहा है जो हमें देना है, लेकिन सभी को पता है 27,000 में 18,000 की तो हमें क्रेडिट मिल जाएगी। अब क्रेडिट सबको पता है कि 1 फरवरी 2019 से चेंज हो चुकी है, सो हम लोग नया आईटीसी रूल फॉलो करेंगे, यहाँ देखिए दिस वन इज द चार्ट, इसके बारे में पिछले वीडियो में मैंने ऑलरेडी समझा रखा है कि पहले आईजीएसटी से फिर सीजीएसटी फिर एसजीएसटी से एडजस्ट होगी, जो कि पहले भी यही था। अब हम लोग बात करेंगे सीजीएसटी, पहले पुराने रूल में पहले सीजीएसटी सीजीएसटी से एडजस्ट होता था फिर आईजीएसटी से, लेकिन अब
सीजीएसटी इनपुट सीजीएसटी को पहले आउटपुट आईजीएसटी से एडजस्ट किया जाएगा, फिर अगर कुछ रिमेनिंग बैलेंस बचेगा तो आउटपुट एससीजीएसटी से एडजस्ट किया जाएगा। एसजीएसटी भी पहले आउटपुट आईजीएसटी से एडजस्ट होगा, फिर जाके अगर कुछ इनपुट एसजीएसटी रह जाता है तो आउटपुट एसजीएसटी से एडजस्ट होगा। तो अगर हम लोग देखें रिपोर्ट, तो रिपोर्ट ये देखने का सबसे अच्छा तरीका होता है, बैलेंस शीट में आप पहुंच जाइए और बैलेंस शीट में देखिए टैक्स एंड लायबिलिटी, टैक्स एंड ड्यूटीज में दिखा रहे 9000। तो मैं इसे डेट भी सही कर देता हूँ, 1 मई से 31 मई तक का मान लीजिए हम देख रहे हैं, दिखा रहा है आपको इनपुट का भी, इनपुट सब है लेकिन आउटपुट सिर्फ लोकल हुआ है, इसलिए सीजीएसटी एसजीएसटी है। तो देखिए पहले मैं आउटपुट चढ़ा देता हूँ, आउटपुट में 13500, सीजीएसटी कितना है 13500, और अगर हम एसजीएसटी भी चेक करें तो एसजीएसटी भी कितना है 13500। ओके सो ये हमारा आउटपुट है। इनपुट जो देखिए आई जी एस टी 7200 और 54 5400, ये 7200, सी जी एस टी है कितना 5400 और आपका एस जी एस टी है 5400। देखिए मैंने लिख दिया, अब सबसे पहले देखिए एडजस्टमेंट जो करते हैं हम लोग, सबसे पहले एडजस्टमेंट किस चीज़ का होगा, आई जी एस टी का दिखा रहे हैं। ओके तो आई जी एस टी जो इनपुट आई जी एस टी दिखा रही है इसको भी हम खत्म करेंगे, इनपुट आई जी एस टी किससे एडजस्ट कर लेंगे, सी जी एस टी से। ओके सो अगर हम लोग बात करें सबसे पहले ये 7100 कहाँ से एडजस्ट करेंगे, इस सी जी एस टी से एडजस्ट कर लेंगे, दैट मीन्स इसमें से माइनस हो जाएगा कितना 7200, क्योंकि आप लोग देख रहे हो रूल है क्या, रूल ये है कि आई जी एस टी इनपुट आई जी एस टी पहले आउटपुट आई जी एस टी से लेस करेंगे, बट यहाँ तो निल है ना, इसीलिए इनपुट आई जी एस टी फिर सेकेंड नंबर पे कहाँ से एडजस्ट हो रही है, इनपुट सी जी एस टी से। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इसमें रह जाएगा कितना 6300। ओके ये एडजस्ट होने के बाद और यहाँ की वैल्यू क्या होगी, इसमें से पूरा का पूरा 7200 माइनस हो गया, अब ये निल हो गई, दैट मीन्स आईजीएसटी हमारा क्या हो गया, पूरा का पूरा निल। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, अभी भी हमारे पास आउटपुट सीजीएसटी में है, इनपुट सीजीएसटी देखिए 5400, इसे भी निल करना है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब 5400 किससे लेस होगा, इस 6300 से लेस होगा। सी जी एस टी पहले आउटपुट आई जी एस टी से एडजस्ट होती है, बट आउटपुट आई जी एस टी है नहीं, सो सेकेंड नंबर पे सीधे कहाँ से एडजस्ट हो रही है, आउटपुट सी जी एस टी में से 5400, 5400 लेस करेंगे तो बचेगा कितना 900। ओके सो यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा। ये 5400 यहाँ पे, अब हम लोग बात करेंगे क्या, ये जैसे लेस हुआ अब यहाँ पे इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 5400, अब यहाँ पे जीरो हो गया, तो ये भी जीरो हो गया, अब क्या रह गया, अब अगर आप ध्यान दे रहे होंगे अब एसजीएसटी रह गया, तो एसजीएसटी को किससे एडजस्ट करेंगे, सबको पता है एसजीएसटी पहले नंबर पे कहाँ एडजस्ट होती है, आईजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी में है नहीं, तो सेकेंड नंबर पे सीधे किससे एडजस्ट होगा, इनपुट एसजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी से एडजस्ट हो जाएगी, तो इसमें से माइनस हो जाएगा कितना, माइनस फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड। जैसे ही आप इसमें से करेंगे बैलेंस कितना बचेगा, 8100। ठीक है 8100 रुपीज़, ये आपका एस जी एस टी जमा होना है, सी जी एस टी सिर्फ 900 रुपये जमा होना है, घूम फिर के दोनों जोड़िएगा तो 9000 रुपये डिपॉजिट होनी है। अब ये एडजस्टमेंट की एंट्री करनी है, तो एडजस्टमेंट की एंट्री देखिए हुई क्या, चलिए देखते हैं एडजस्टमेंट की एंट्री। एडजस्टमेंट की एंट्री करने के लिए सबसे अच्छा तरीका डिस्प्ले में जाइए, स्टैचुटरी रिपोर्ट जी एस टी, जी एस टी आर वन में या जी एस टी आर टू में कहीं भी रहिए, यहाँ पे स्टेट एडजस्टमेंट करेंगे। स्टेट एडजस्टमेंट जो करेंगे इसमें क्या करना है, हमें डिक्रीज द टैक्स लाइबिलिटी, हमें टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करना है एडजस्टमेंट अगेंस्ट द क्रेडिट, और एफ टू करके डेट सही करिए, 31 मई को हमने एडजस्टमेंट करना है। मान लीजिए अब 31 मई को हम लोग एडजस्टमेंट कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या होगा, आउटपुट
सी जी एस टी या एस जी एस टी कर लेते हैं, आउटपुट एस जी एस टी पूरे के पूरे 13,500 से डेबिट करेंगे और अगेन डेबिट करेंगे आउटपुट सी जी एस टी को भी, सॉरी आउटपुट एस जी एस टी अगर आप देख रहे होगे, आउटपुट सी जी एस टी पूरा ख़त्म करना है, सॉरी आउटपुट सी जी एस टी हमें ख़त्म करना है। और ध्यान रखिएगा इसमें रह जाएगा 900 रुपये, 13,500 में से 900 रुपये रह जाएगा, यानी कितना एडजस्ट हो जा रहा है, कितने से डेबिट हो जाएगा आउटपुट 12,600 से, 12,600। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे समझिए, इस 13,500 में से कितना लेस हुआ है, 6,200 और 5,400, अगर इन दोनों को जोड़िए 426 और 7,512 आता है, तो 12,600 एडजस्ट हो जा रहा है, किससे, आउटपुट सीजीएसटी में से। आउटपुट सीजीएसटी मैंने 12,600 से डेबिट कर दिया, अब बैलेंस में सिर्फ 900 बच रहा है, फिर डेबिट करेंगे आउटपुट एसजीएसटी, सॉरी आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी देखिए कितने से लेस हो रहा है, तो अगर आप एडजस्टमेंट देख रहे होंगे 5,400, तो 5,400 लेस हो रहा है सिर्फ, तो उतने से ही हम लोग एसजीएसटी को डेबिट करेंगे 5,400। ओके, अब क्रेडिट में देखिए, इनपुट आईजीएसटी पूरा का पूरा निल हो चुका है, इनपुट आईजीएसटी था कितने से, इनपुट आईजीएसटी था 7,200 से, निल हो गया, देख रहे होंगे यहाँ पे निल हो चुका है। फिर इनपुट सीजीएसटी करेंगे, ओके ये भी निल हो चुका है 5,400 निल। फिर करेंगे इनपुट एसजीएसटी, ये भी कितने से 5,400, देखिए सारे इनपुट निल हो चुका है, बीइंग इनपुट टैक्स एडजस्टेड। ओके सो ये हमने एडजस्ट कर लिया। अब अगर हम लोग चेक करें अपने बैलेंस शीट को, तो बैलेंस शीट में देखिए 9,000 की ड्यूटीज अभी भी दिख रही है, लेकिन अब एडजस्ट हो चुका है, आप बता रहा है क्लियरली कि आपको सीजीएसटी का अमाउंट सिर्फ 900 रुपये जमा करना है और एसजीएसटी का अमाउंट सिर्फ 8,100 जमा करना है। अब इसको हम लोग पेमेंट करेंगे, ये भी नियोजन होगा। यहाँ पे F5 में जाएंगे, F5 में जाने के बाद Alt S दबाना है, सॉरी F5 में पहले पहुंचेंगे, Alt S दबाएंगे, स्टैचूटरी पेमेंट होता है Alt S, जीएसटी का पेमेंट है 1 मई से 31 मई का, रेगुलर डीलर है हम लोग। अब यहाँ दिखाएगा क्या 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 जमा कर रहे हैं, आउटपुट सीजीएसटी जमा कर रहे हैं 900 रुपीज, और फिर डेबिट होगा आउटपुट एसजीएसटी जमा हो रहा है कितना 8,100। ओके और ये एक्सिस बैंक के थ्रू हम लोग पेमेंट करेंगे, सपोज करें हम चेक काट रहे हैं 25,002, 31 मई को हम लोग चेक काट रहे हैं, और ये आप सभी को पता है चेक किस नाम से कटेगा, जीएसटी के नाम से, पे के सामने जीएसटी रहेगा, प्रोवाइड जीएसटी डिटेल यस। अगेन देखिए यहाँ पे कैसे चेक जमा कर रहे हैं, ओवर द काउंटर जमा कर रहे हैं, नेम ऑफ द बैंक एक्सिस बैंक, सीपीआईएन नंबर, अगेन आपको मैं बता दूँ सीपीआईएन नंबर निकालने के लिए जाए इस बात हमें चलान हमें जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये चेक काट के हम अपने सपोज करो हम अपने अकाउंटेंट को दे रहे हैं कि भैया जाओ ये पैसा जमा कर लो, तो हम क्या करेंगे, हम चेक काटेंगे और एक चालान भी जनरेट करेंगे, और चेक और चालान दोनों ही हम अकाउंटेंट को देते हैं, वो जाके बैंक में जमा कर देगा, ठीक है। तो मान लीजिए हम ओवर द काउंटर कर रहे हैं, तो सीपीआई नंबर कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर बेसिकली चालान के ऊपर मिलता है हमें, तो चालान हमें जाके जनरेट करना होगा, इसके लिए आपको लॉगिन करना होगा, हमने ऑलरेडी लॉगिन कर रखी है। अब यहाँ पे क्या करना है, बिना लॉगिन किए आप सिंपल सा सर्विसेज में जाइए, पेमेंट में जाइए, क्रिएट चालान में जाइए। अब यहीं से बड़े बड़े हम लोग चालान जनरेट कर लेंगे, हमें अपनी कंपनी का क्या चाहिए होगा, जीएसटीएन नंबर, तो हमारी कंपनी का जीएसटीएन नंबर यहाँ पे दिया है एक्सेल में हमने बना रखा था, तो ये हमारे कंपनी का जीएसटीएन नंबर, इसी से हम लोग क्या करेंगे चालान जनरेट करेंगे नेट पे। तो सबसे पहले जीएसटीएन नंबर ही मांगता है, कैप्चा कोड 954633। देखिए ये मैं बार बार बता रहा हूँ और आगे की वीडियो में बार बार बताता रहूँगा, कम से कम आपको चालान पेमेंट चालान कैसे क्रिएट करना है, पेमेंट करते समय बिना चालान के तो आप पेमेंट कर ही नहीं सकते जीएसटी में, और बैंक में ये चालान मिलने से रहा, ये ऑनलाइन ही जनरेट करना है,
इसलिए मैं बार बार इसको बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको ये चीज़ एकदम क्लियर हो जाए। अब CGST का अमाउंट कितना है, अगर हम CGST का अमाउंट देखें तो 900 रुपये था। यहाँ से देखिए CGST का अमाउंट कितना था, 900 रुपये था। और जो उत्तर प्रदेश जो SGST जमा होनी है वो है 8100। ओवर द काउंटर हम नेफ्ट भी जनरेट कर सकते थे, बट हम लोग ओवर द काउंटर करते हैं। सपोज कर चेक से पेमेंट कर रहे हैं, एक्सिस बैंक क्रिएट चालान, अगेन चालान आपसे GST नंबर मांगेगा। GST नंबर हम लोग देख करके पुट कर लेते हैं, दैट इज 09 3 times ACI 1681 G1 ZN। ओके प्रोसीड। ये देखिए चालान जनरेट सक्सेसफुल्ली। अब ये CPI नंबर हम लोग यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे ला के पेस्ट करेंगे। चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर ये अभी नहीं मिलेगा, ये कब मिलेगा, जब हम लोग का चालान क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा बैंक में, पैसा चेक के साथ जमा हो जाएगा, तब वहाँ से हमें चालान नंबर और BRN कोड मिलेगा, तब हमें ये लिखना है। फिलहाल हम ये नहीं लिख सकते। पेमेंट डेट 31 मई और इंस्ट्रूमेंट नंबर चालान नंबर है, सॉरी चेक नंबर है 250002। डेट क्या है 31 मई, बीइंग GST पेड हो गया, GST का हमने पेमेंट कर दिया। सवाल उठता है सर वो चालान कैसे प्रिंट करेंगे, तो चलिए देखते हैं चालान कैसे प्रिंट करना है। ये डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड जैसे क्लिक करेंगे पूछेगा कहाँ भाई इसे डाउनलोड करना, हमने डेस्कटॉप पे ही हम लोग ने इसको GST चालान को हमने सेव कर लिया। अब देखिए GST चालान जनरेट हो गया। पिछले वीडियो में ये चालान वाला हमें दिख नहीं रहा था क्योंकि मैं इंटरनेट एज से कर रहा था, ये क्रोम से मैंने किया। बहुत सिंपल तरीके से तुरंत PDF आपकी जनरेट हो जाती है और यही है आपका GST PMT 06, जो पिछली बार मैं दिखाना चाह रहा था। ये है GST PMT 06 पेमेंट चालान, जिससे हम लोग पेमेंट करते हैं। और ये देखिए CPI नंबर यहाँ पे मेंशन है, बस 8100 और 900 फाइनली टोटल आपका जमा हो रहा है, ओवर द काउंटर जमा हो रहा है, चेक्स काट के जमा हो रहा है। तो चेक हमें काटना है और ये बैंक में जमा कर देना, बैंक वाला बाकी का रिसीट आपको काट के दे देगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। और बैंक वाला जब देता है तो देखिए यहाँ पे बैंक रेफरेंस नंबर BRN नंबर, BRN का कई लोग फुल फॉर्म पूछते हैं, यहाँ लिखा भी है बैंक रेफरेंस नंबर। ठीक है, और यहाँ पे चालान नंबर भी मिल जाएगा आपको पेमेंट होने के बाद। और बस जैसे ही चालान नंबर मिलेगा बस आपको कुछ नहीं करना है, आप किसी पेमेंट वाले वीडियो में चले जाना है, पेमेंट वाले वाउचर में चले जाना है जो आपने यहाँ पे फिल किया था, और यहाँ पे पेमेंट वाले वीडियो में जाने सॉरी वाउचर में जाने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, चालान डिटेल को यस करना है और यहाँ पे आप लोग चालान नंबर और BRN कोड भर देंगे। कई लोग चालान रिकनसाइल मैं आपको भी दिखा देता हूँ, डिस्प्ले में जाएंगे, यहाँ स्टैचूटरी रिपोर्ट होता है, GST रिपोर्ट होता है, ये होता है चालान रिकनसाइल। जब वो चालान नंबर मिलेगा तो यहीं पे आपको चालान नंबर डालना होता है, 31 मई वाला है, एंटर करते हैं, यहाँ पे पहुँच जाएंगे आप लोग और यहाँ से भी आप लोग डाल सकते। तो बात वही है, घूम फिर के देखिए तब भी वाउचर में ही हम पहुँचे, इसको कई लोग चालान रिकनसाइल कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि पेमेंट करना, बैलेंस शीट में एक बार जाके देख लीजिए, ड्यूटीज एंड टैक्सेस हमारी नील हो चुकी है, हमने GST का पेमेंट कर दिया। ये हमारा दूसरा केस था जिसमें हमने ये स्टडी किया कि अगर हमारा बिजनेस है और हम अगर इंटर स्टेट भी परचेजिंग कर रहे हैं, हम दूसरे स्टेट से भी माल खरीदते हैं, अपने स्टेट से भी माल खरीदते हैं और अपने ही स्टेट में लोकल ही सप्लाई करते हैं, मेरा इंटर स्टेट कोई सप्लाई नहीं है, तो उस केस में एडजस्टमेंट कैसे होगा। और अगेन ध्यान रखिए हमें एडजस्टमेंट का नया रूल फॉलो करना है, इस नए रूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा। सो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर ये पसंद आया होगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, हाँ सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।